Thanks to quarantine that it has given us to rethink about our lives. Thanks to this time so we can explore the nature around us. This is the right time to propagate our plants and give them new home. Hi everyone, welcome to our channel. So today's tutorial, we are going to make these beautiful 5 planters out of Amul Dahi container. So let's get started and make our first planter, that is with glitter paper. So for that, I'm going to use this container, this plastic container. I have so many of them, mere paas ye bahut sare hain. So I was collecting them. I don't know, isme plants bahut achhe lagte hain. I have already planted so many in this. So isko simply hame इस टाइप से पिंक कलर करना है. पिंक कलर को हमको सील करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई ग्लू. यू कैन यूज़ एनी ग्लू. आई एम यूजिंग दिस मॉड पॉज ग्लू. एंड देन लास्ट में आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्लिटर पेपर. अगर आपके पास ग्लिटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी शाइनी या कोई भी आपको प्रिंटेड अच्छा पेपर दिखता है वो आप ले सकते हैं. और इस टाइप से आप उसको ग्लू की हेल्प से चिपकाइए और ये बहुत ही क्यूट दिखता है. आई एम गोइंग टू मेक दिस प्लांटर फॉर माई डॉटर्स रूम. सो ये प्लांटर हो गया है रेडी और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप प्लांटर के नीचे एक छोटा सा होल बनाए इस तरह से. और जो भी हमने डेकोरेटिव प्लांटर्स बनाए हैं प्लीज़ आप डायरेक्टली उसके अंदर प्लांट मत लगाइए. आप अलग से प्लांटर लेके इस टाइप से इसके अंदर आप लगा दीजिए. सेकेंड प्लांटर हम बनाने वाले हैं बैम्बू रोप से. अगर आपके पास बैम्बू रोप नहीं है आप जूट रोप भी ले सकते हैं. इसमें अप्लाई करने वाली हूँ मैं जेसो. मैंने जो होममेड जेसो बनाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया है सब कुछ कि आप होममेड जेसो एंड बाकी सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं. सो इसको हम चिपकाएंगे हॉट ग्लू गन से. अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है आप कोई भी एडहेसिव ग्लू या कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू ले सकते हैं. मेरे पास ये बैम्बू रोप बहुत दिनों से पड़ी थी. आई वॉज़ प्लानिंग टू यूज़ इट सो आई थॉट आई यूज़ इट ऑन दिस प्लांटर. अदरवाइज़ आप जूट रोप्स जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसे धीरे धीरे इस टाइप से हॉट ग्लू गन से चिपकाइए और आपको एवरी टाइम यू हैव टू होल्ड द रोप हियर ताकि वो एक दूसरे से अच्छे से चिपके. और हमारा बैम्बू प्लांटर कुछ इस टाइप से दिखेगा. थर्ड प्लांटर हम बनाएंगे विद टेक्सचर पेस्ट. सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है आपको टेक्सचर पेस्ट कैसे बनाना है. सो मैं अगेन आपको बता देती हूँ. आपको लेना है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस या आप पाउडर भी ले सकते हैं बेबी पाउडर या कोई भी पाउडर. थोड़ा सा उसमें आपको मिलाना है पानी और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ ये होममेड मॉड पॉज ग्लू. आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं. बेसिकली हम इसमें ग्लू मिलाएंगे ताकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका बॉन्ड बने. और टेक्सचर पेस्ट आपको कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए. बहुत ही फ्लोई नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए. उसके बाद आप इस पर डिज़ाइन कीजिए. मैं बनाने वाली हूँ इस प्लांटर को लाइक अ हाउस. तो इसमें हम बनाएंगे डोर. डोर का आप पैटर्न करने के बाद कोई भी आप स्केल लीजिए और उससे हम डोर का शेप देंगे. देन हम बनाएंगे ये वॉल. वॉल में जो ब्रिक्स होती है हम देंगे उसका शेप. इसको आप सूखने दीजिए अराउंड 2-3 घंटे और 2-3 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. और इसके सूखने के बाद हम इसमें करेंगे थोड़े से कलर्स. सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लूँगी मैं. एक टील ब्लू कलर का हम बनाएंगे इसका डोर और इसमें थोड़ा सा इसको विंटेज लुक देने के लिए थोड़ा सा शेडो वगैरह करने के लिए मैं लूँगी ब्लैक कलर. और इस टाइप से आप अगर इसमें बीच में लाइन लगाएंगे तो ये बिल्कुल वुड का लुक देता है. वॉल में बनाने वाली हूँ इसकी ग्रे कलर. ग्रे कलर बनाना बहुत ही ईजी है. वाइट कलर में आप थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाइए और ग्रे कलर बन जाता है. फिर हम हाईलाइट करेंगे वॉल को. वॉल की ब्रिक्स को हाईलाइट करने के लिए पहले हम ब्रिक पैटर्न में लाइन बनाएंगे एंड यहाँ बनाएंगे हम ब्रिक्स और ब्रिक्स को भी हम थोड़ा सा शेडिंग करेंगे. शेडिंग करना बहुत ईजी है. एज़ यू कैन सी बहुत ही ईजिली आपको एक कोने से दूसरे कोने में लेना है. अगर आपको इतना डिटेलिंग में नहीं बनाना है यू कैन कम्प्लीटली लीव इट. आप सिर्फ डोर को अच्छे से बना दीजिए उसी में आपका प्लांटर बहुत ही सुंदर लगेगा. और इसके बाद हम बनाने वाले हैं इसके ऊपर एक मेल बॉक्स. तो मेल बॉक्स में मैं लेने वाली हूँ ये रेड कलर और इस तरह से आप मेल बॉक्स बना सकते हैं. फिर मैं लेने वाली हूँ ये ग्रीन कलर जिससे हम ग्रास बनाएंगे.
ग्रास बनाने के बाद हम इसके ऊपर बनाएंगे ये फ्लावर्स। ये फ्लावर्स बहुत ही इजी है बनाना, इसमें आपको सिर्फ डॉट्स बनाने हैं। और लास्ट में मैं बनाने वाली हूँ एक लैम्प, और लैम्प भी बहुत इजी है बनाना। एज यू कैन सी आपको इस टाइप से वी बनाना है, और वी बनाने के बाद आप ब्लैक कलर लीजिए, ब्लैक कलर से आप हाईलाइट कीजिए, और बीच में ये एक और आप वी बना दीजिए और आपका लैम्प बन जाता है। सो अ ब्यूटिफुल प्लांटर इज रेडी। फोर्थ प्लांटर हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिकोपाज। तो इसके लिए मैं लेने वाली हूँ कोई भी प्रिंटेड पेपर, और इस कंटेनर को मैंने ऑलरेडी वाइट कलर कर दिया है। और हम लेंगे ये मॉड पॉज ग्लू, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। आपको इस टाइप से ये पेपर को हाथ से फाड़ना है कुछ इस तरह से, ताकि इसके एजेस अनइवन रहे। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये ग्लू। आप ग्लू को अच्छे से लगा के उसके बाद ये जो पेपर है इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये पेपर सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही ईजिली हमारे कंटेनर पर चिपक जाए। इसको चिपकाने के लिए मैं लेने वाली हूँ ये फ़ैन ब्रश। ये फ़ैन ब्रश डिकोपाज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इससे ईजिली चीज़ें चिपक जाती हैं। और उसके बाद इसको हम करेंगे कलर। कलर करने के लिए मैं लेने वाली हूँ ये तीन कलर। ये कॉम्बिनेशन मैंने रिसेंटली बनाया है और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इस कॉम्बिनेशन को मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैंने लिया है टील ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर, थोड़ा सा इसमें वाइट कलर मिलाया है, और डैबर की हेल्प से मैंने इनको मिक्स किया है। यहाँ पर हम थोड़ा अंदर की तरफ लगाएंगे वाइट, ताकि वो जो एजेस हैं वो पूरे मर्ज हो जाए हमारे कलर्स में। और लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट हैज़ कम आउट। और लास्ट में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको वाटरप्रूफ कैसे बनाएं, बिकॉज ये प्लांटर है। तो वाटरप्रूफ करने के लिए आपको इसके ऊपर लगाना है दो कोट ग्लू के। इसको कम्प्लीटली सूखने दीजिए। सूखने के बाद हम लेंगे ये 3D कोन लाइनर, और इससे मैं थोड़ी सी और इसके ऊपर डिटेलिंग करूँगी, समथिंग लाइक पर्ल्स। सो हमारा लास्ट प्लांटर है हॉट ग्लू गन की हेल्प से। ये प्लांटर मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये सबसे इजी था बनाना। इसके लिए आपको सिर्फ हॉट ग्लू गन चाहिए। एंड एज यू कैन सी मैंने सारे प्लांटर्स को ऑलरेडी वाइट कलर कर लिया था, और आपको ड्रॉप्स बनाने हैं हॉट ग्लू गन से। ये ड्रॉप्स बनाने के बाद आई एम गोइंग टू टेक दीज टू कलर्स, येलो एंड ग्रीन, और इसमें थोड़ा सा वाइट मिला के इसको हम पूरा कलर करने वाले हैं। हाईलाइट करने के लिए मैं ये वाइट कलर लेने वाली हूँ। ये जो ड्रॉप्स हैं इनको हम वाइट कलर करेंगे। आप इसे गोल्ड कलर, सिल्वर कलर भी कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेरे सारे कलर्स ख़त्म हो गए हैं, तो अभी हम इसमें करेंगे वाइट कलर। और लास्ट में फॉर फिनिश लुक मैं लेने वाली हूँ ये जूट रोप। आप जूट रोप को ऊपर से बांधे, और अगर आपको इसे किसी को गिफ्ट करना है तो आप इसी रोप में साथ में एक टैग भी लगा सकते हैं। और सारे कलर्स को सील करने के लिए मैंने इस पे लगाया लास्ट में ग्लू। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पांचों प्लांटर्स कैसे लगे एंड विच वन इज़ योर फेवरेट। और मेरी अगली वीडियो में भी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटर्स बताऊंगी, आप कैसे बना सकते हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांटर्स से। और अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।